हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज मैंने आपके लिए प्रे की है कि आप खुश रहें, मस्त रहें। 88 पोर्टल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और देखने वाली है यू वर्सेस देम, आपके पर्सन और आपकी क्या एनर्जी है और इस 88 पोर्टल के बाद में आप लोगों की लाइफ में क्या खुशियाँ आ रही हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन टैरो रीडिंग है ये, ठीक है? तो चलिए पहले आपके कार्ड निकालते हैं आप मेरे व्यूअर्स के। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आप दोनों पार्टनर जो है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना चाहते हैं, एक दूसरे को प्यार का ऑफर देना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इस पेन से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है? ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पेन से दोनों ही पार्टनर बाहर निकलना चाहते हैं। देखिए रिवर्स में आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है? चलिए देखते हैं कि और क्या एनर्जी है। देखिए अगर मैं आप मेरे व्यूअर्स की एनर्जी को चेक करूं तो मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ताकि आप रेजोनेट भी कर पाएं। और आपके साइन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वृषभ, कन्या और मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ये स्ट्रांग साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो यानी कि मीन, वृश्चिक और कर्क राशि। देखिए गाइस, मैं बताना चाहूँ यहाँ पर तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि गाइस कि आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग है और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप कुछ नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी टाइम से आप अपनी लाइफ में स्टक हो रहे थे, लेकिन अभी आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है गाइस कि आप पहले डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि मुझे जाना कहाँ है, क्योंकि आप स्टक हो गए थे सिचुएशन में। आपको ऐसा लगता था कि किसी ने मुझे बांध रखा है, पकड़ रखा है, और आप जो है लोगों की बातों को भी देख रहे थे कि भाई लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, रिलेटिव्स क्या कहेंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आप एक नई शुरुआत करने की सोच रही हैं। मुझे यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा जो है आप पावर में आना चाहते हैं, ड्राइवर सीट पर आना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इससे पहले तो आप जो है यूनिवर्स पर छोड़ रहे थे, अपने पार्टनर पर छोड़ रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे, लेकिन अभी आप अपने ड्राइवर सीट पर आना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइज कि अभी आप अपने फाइनेंस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपके बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यू भी हो रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइज कि अभी आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, एक तो अपने फाइनेंस पर ध्यान दे हैं अपने जॉब करियर में, ताकि स्टेबिलिटी आए आपके पास में। दूसरा मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में भी काफी एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, ठीक है? चलिए टू ऑफ मेंट्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर डिसाइड इसलिए नहीं कर पा रहे थे आप अपने पार्टनर से मूव ऑन करने के लिए, क्योंकि आपके पास में फाइनेंशियली इशू हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, इसी वजह से आप जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे इस बंदे से आगे बढ़ने का, इसी वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं। और आपके पार्टनर काफ़ी इगोइस्टिक पर्सन भी हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में एक लेडी है जिसका रोल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिसकी वजह से आप ना तो मूव ऑन कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, ना ही ठीक से आप जो है कोई काम कर पा रहे हैं, आप स्ट्रक हो जाते थे बार बार, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं। ये थर्ड पार्टी है, किसी की मदर हो सकती है, किसी की सिस्टर हो सकती है, किसी की बुआ वगैरह हो सकती है। यहाँ पर इसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत इश्यू हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइस कि आप बहुत दुखी हो रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है लाइफ में। देखिए आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, और आप ये सोच रहे हैं कि ऐसे स्टक होने से तो काम नहीं चलेगा, ठीक है?
यहाँ पर दो लोग हैं, एक तो ये लेडी है, दूसरा यहाँ पर एक मैन भी मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ को दो लोग स्पॉइल कर रहे हैं, एक मेल और एक फीमेल। हो सकता है कि आपके फादर इन लॉ मदर इन लॉ हो, क्योंकि इनका रोल मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर के इसमें भी कार्ड में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये लोग आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, इसी वजह से आप स्टक हैं अपनी लाइफ में, एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे थे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप एफर्ट्स तो लगाना चाहते लेकिन एफर्ट्स लगा नहीं पा रहे थे, ठीक है। बहुत एक्सपेक्टेशन लिए बैठे थे आप इस पर्सन को लेकर के, आपकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए थे कि ये आपकी जो है ख्वाहिशें पूरी करेगा, आपको खुश रखेगा, लेकिन आपको ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत सपने बुने थे कि मेरे एक हैप्पी जो है फैमिली होगी, बच्चे होंगे जिसमें हम दोनों बहुत प्यार से रहेंगे, लेकिन आपको ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर इन दो लोगों का रोल आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा है कि ये लोग जो है आपकी लाइफ को पूरी तरह से स्पॉइल कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पर इनके पास में फाइनेंशली जो है स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इनके पास फाइनेंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इन्होंने आपके पर्सन को कंट्रोल कर रखा है। और जो वो लेडी है वो काफ़ी सुंदर है, चाहे मदर हो चाहे कोई भी हो, आजकल तो मदर भी कुछ कुछ ऐसी होती है 1% की जो अपनी बहुओं को खुश नहीं देखना चाहती हैं, सिर्फ अपने ही आगे पीछे घूमवाना चाहती हैं सबको, पूरे परिवार को। ऐसा लगता है कि जैसे मेरे आगे पीछे ही घूमे सारा परिवार, उनको तो ऐसा चाहिए। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये लेडी जो है बहुत शातिर दिमाग है, चाहे ये कितनी भी पढ़ी लिखी हो चाहे नहीं हो, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसका दिमाग इतना ज़्यादा तेज चलता है कि ये पूरे घर को घुमा कर रखती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि ये लेडी और जो जेंट्स है ना, दोनों मिलकर के आपके पार्टनर को गुमराह कर रही हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों की ज़िंदगी को यही स्पॉइल कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा रोल तो इस लेडी का मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा, अगर कहते हैं ना कि कुछ अगर रही कसर जो है वो ये पूरा कर देता है ये जेंट्स, ठीक है, ये फादर इन लॉ या भैया भाभी भी हो सकते हैं कुछ केसेस में, ठीक है। तो अभी आप अपनी लाइफ में एफर्ट्स लगाना चाहती हैं, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहती हैं, अपने फाइनेंस पर ध्यान देना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं इस लाइफ में। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप उधर से तो ये उम्मीदें छोड़ चुकी हैं कि उधर से कोई सपोर्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप सोचते तो हैं कि ये सब कुछ होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो इन्हीं से ही बात करती है। आपके पर्सन को कोई डिसीजन लेना होता है तो इन्हीं से ही बात करती है, और ये कभी भी सही राय देते नहीं है आपकी पर्सन को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये थी आपकी एनर्जी, अभी हम देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। देखिए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है, उनके जो है दिल दिमाग में अभी पूरी तरह से जो है ट्रांसफॉर्मेशन का असर दिखाई दे रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि क्योंकि रिकन्सिलेशन का कार्ड आया है, आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि गाइस कि आपके पर्सन जो है वो आपसे रिकनसाइल करने की सोच रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको कोई गिफ्ट देने की भी सोच रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है गाइस कि इनकी लाइफ में इनके फादर या भैया को हो सकती हैं, उनका रोल आपकी लाइफ में 101% दिखाई दे रहा है। और मैंने एक लेडी का भी बताया है, उनका भी रोल है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। आपके पर्सन का जो मैं साइन बताना चाहूँ तो टॉरस और कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या और मकर राशि। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन कर्क और वृश्चिक राशि, ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं, या फिर स्कॉर्पियो भी हो सकती है आपके पर्सन। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन आपसे कॉल या टेक्स्ट मैसेज आपको कर सकते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपको कॉल या टेक्स्ट मैसेज कर सकती हैं। ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि वो आपको प्यार तो करते हैं, वो आपके साथ में अपने सपनों का संसार भी देखते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी लाइफ पर इनका असर ज़्यादा है, थर्ड पार्टी का, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं या भैया भाभी जो भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर दो लोगों का रोल बहुत ज़्यादा है जो आपके पर्सन को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, जो आपके पर्सन को रिकन्सिलेशन करने नहीं देते हैं। आपके पर्सन का माइंड अभी सोच रहा है कि भाई मुझे करना चाहिए रिकन्सिलेशन, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो नहीं चाहते कि वो आपसे रिकन्सिलेशन करें। आप लोगों का कास्ट रिलीजन इशू हो सकता है या फाइनेंशियली स्टेटस इक्वल ना होने की वजह से ये लोग आपको लाइक नहीं करते हैं। आपके पर्सन जो है वो आपको देखते हैं कि आप बहुत दुखी हैं, सारे दिन काम करते हैं, और जिसकी वजह से वो परेशान हो रहे हैं और वो आपसे रिकन्सिलेशन करने की सोच रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो देखिए गाइस, आपके लिए लकी नंबर हो सकता है 6, 10, 4, 13, 37, 2, 29, 30, जैसे 10, 4, 1, ठीक है,
साइन मैंने बता दी है। देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 18, 20, 19, 13, 2, 11, 6, 4, 15, 1, 12, 17, 14। अब हम इनिशियल देखते हैं उनके, तो L, N, W, R, I, C, J, M, S, B, Y, G, H, O, T, A। ये आपके पर्सन की इनिशियल डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।